जैसे उनके कपड़ों पे, अच्छा कपड़ा पहन ले तो बात, अच्छा खाना खा ले, कहीं भी अच्छी सड़क पे चले या बच्चे अच्छे मार्क्स ले, जो उनको इंस्टीट्यूशन पे कमेंट करना गया है तू तो दलित का बच्चा, तू तो रिजर्वेशन से आया, तेरे पास तो गुण ही नहीं है, मेरिट ही नहीं है, उस चीज़ के लिए हमारी बिल्कुल स्ट्रैटेजी, हम इनके साथ भी हैं और हम आने वाले ऐसे अनेकों यश मेघवाल, रोहित वेमुला, पायल तड़वी को रास्ता रोकने के लिए हम लोग सड़कों पर, इसलिए हम कहते हैं हमें डर नहीं लगता। वो वही बेशरम लोग हैं जिन्होंने रियलिटी नहीं देखी, वो वही लोग ये चीज़ें बोलते हैं जो शोषण करते हैं, वही लोग। और जाति इस देश में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जाति के आधार पे नहीं होती। आप सब जब सुबह उठते हैं ना, ये लोग ब्रेड बटर, ब्रेड पे बटर लगा के जिसे खाते हैं ना, ये ब्रेड पे जाति लगा के खाते हैं। और यही लोग जो है जो जाति को मेंटेन करना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस देश में जितना जो पढ़ा लिखा स्वर्ण है वो उतना ही बड़ा जातिवाद है, क्योंकि उसको पता है कि शोषण करने में, किसी को नीचा दिखाने में, जाति को मेंटेन करने में जो आनंद है, जो लुत्फ है, वो कैसा है। अरे हम लोग थोड़ा छोड़ दीजिए, हमको सड़क पे रहने दीजिए, संसद में डॉक्टर ऋतु को भेजिए, ऐसे लोगों को भेजिए, हम लोग सड़क पे माहौल गर्म रखेंगे। संसद में तो जो लोग बैठे हैं वो तो आके गुंडागर्दी से किसी भी तरीके से वहाँ बैठ गए अबड़ के। अब उनको बार बार मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि राजा से हमेशा ताकतवर राजा को बनाने वाला होता है, किंग मेकर इज ऑलवेज पावरफुल देन द किंग। तो वो हम किंग मेकर हैं, तो हमें अगर हमारी जागरूकता होगी, हम एक साथ हो गए, तो अगर हमने सड़कें भर दी तो हम तो किसी का भी कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं ना। कौन सी ऐसी लड़ाई है जो हमने नहीं लड़ी? निजीकरण पे हम बोल रहे हैं, निजीकरण पे जागरूक लोगों को हम करें, डिमोनेटाइजेशन पे हम आए सड़कों पर, 2 अप्रैल का आंदोलन हमने लड़ा, रोस्टर का आंदोलन हमने लड़ा, SC ST एक्ट जब डिल्यूट हुआ उनका आंदोलन हमने लड़ा, रिसेंटली किसान आंदोलन जो है सड़कों पर जागरूकता आपने देखी, वो हम लोग लड़े। अब इससे ज्यादा आप क्या कहते हैं हम नहीं लड़े। लेकिन आई टेल यू, और जो आपकी ऑडियंस है उनको बताना चाहती हूँ, सबसे खतरनाक वायरस जो है वो है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। ये एक ऐसा वायरस है ना जो हमें आंखों के आगे दिख नहीं रहा, लेकिन वो जो कोविड वायरस था ना, वो सब उसने जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, सबको इफेक्ट किया। हाँ, गरीब लोगों को अधिकतर ज्यादा किया क्योंकि उनके पास सुविधा ही नहीं थी, बट आई टेल यू द फैक्ट, ये जो निजीकरण वायरस है ना, ये पर्टिकुलरली SC ST OBC मिनोरिटीज के लिए इंस्टॉल किया जा रहा है। आप ब्राह्मण है, दलित के लिए बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि यही बात वहाँ दलित भी खड़ा होकर बोले। बोलने वाले कमी है, डॉक्टर ऋतु है, फायर ब्रांड लीडर है, देखिए यहाँ पे कम भाषण देती है, तो ऐसे लोग को पहुँचाओ उधर बोलने के लिए। तो ये तो आप लोग माहौल बनाएंगे तो 2-4-10 ढंग के लोग, और 4-5 ही लोग ढंग के चाहिए अंदर। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। नहीं, दलित तो सबको वोट दे रहा है, किसको नहीं वोट दिया? कांग्रेस पार्टी को सत्ता में नहीं लाया, बसपा को नहीं लाया, RJD को नहीं लाया, किसको नहीं लाया? लेकिन सवाल ये हम उठा रहे हैं, ये तो समाज सवाल करे ना, पार्टी के नेता सवाल करें कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। शुक्रिया। मैं इसी से कंटिन्यू कर लो ना, पहले मुझे आपके सवाल का जवाब दे। आपने कहा कि अभी भी आप EVM का विरोध करते हैं, आपने कहा अभी भी EVM से गड़बड़ी हो रही है, क्यों नहीं होगी दुनिया का? आप मुझे बता दीजिए, कोई ऐसा कंप्यूटर है या कोई ऐसी मैनमेड मशीन है जो टेम्पर नहीं हो सकती या हैक नहीं हो सकती? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ पत्रकार जी, अगर आपका फोन है, आपके फोन को बड़ा आसान है मेरे लिए हैक करना, अगर मैं सॉफ्टवेयर या अच्छी समझ रखती हूँ चीज़ों की, ऑनलाइन अच्छे से चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ मेरे लिए मुश्किल है। और आप मुझे बताएं, जब चंद्रयान जैसी चीज़ें या मंगल ग्रह जैसी चीज़ों का नियंत्रण जो है धरती पर रहकर हो सकता है, पेगासस सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपके फ़ोन में मैं चेक कर सकती हूँ क्या हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है EVM को हैक करना और EVM से वोट जाना, EVM को मैनिपुलेट करना। दुर्भाग्य यही है कि उन्हें लगता है कि गड़बड़ नहीं है और उन्हें पता है। मैं वही, जैसे अभी बहुत अच्छा रतनलाल जी ने बताया यहाँ पे, कि जब आपको अपनी कुर्सी के से प्यार है ना, आपको लालच अपनी कुर्सी से, जब ये स्वार्थ हावी हो जाता है ना, तब आपको जनता की वो नहीं रहती। इसीलिए बड़ा आप बार बार ये सवाल करते हैं कि हम लोग सड़कों पे आ रहे हैं, कि हमें डर नहीं लगता, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ आपने जीवन जन्म लिया ना सिर्फ खाने के लिए, तो पशुओं से और आप में कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग वो युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पढ़ लिख लिया, जो इनकी नस समझ गए, और इनको हमारी जागरूकता से लगता है डर, हम समझ गए उनको किस चीज़ से डर लगता है, और हम वही काम कर रहे हैं क्योंकि हम उनको उन्हीं की चाल से हराएंगे। अगर हम सड़कें खाली छोड़ देंगे, आप यकीन मानेंगे कि शायद ये जो कुछ चंद चेहरे आपको सोशल मीडिया पर बोलते दिखते हैं, जो अपने में ही विपक्ष
विपक्ष का रोल भी प्ले करते हैं। मुझे नहीं पता 2014 के बाद से हमारा विपक्ष कहाँ गया, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मैंने विपक्ष को, विपक्ष की विफलता देखी, मैंने विपक्ष को किसी एंगल पे नहीं देखा प्रमुख भूमिका निभाते हुए, चाहे कोई मर रहा है, चाहे किसी के साथ शोषण हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है। जब आंदोलन वो युवा अपनी आवाज़ उठा के बुलंद करता था, सोशल मीडिया पर वायरल होता था, तब विपक्ष जो था अपनी गफलत की नींद से उठ के आके हमारा साथ देता था। कहीं भी विपक्ष ने ऐसा मूवमेंट लीड नहीं किया। जैसे अभी सर ने बताया ईवीएम की जो वीडियो थी, जिस समय राहुल गांधी ने वो हमारा डेमो शेयर किया था, वो वीडियो एक रात के अंदर 14 मिलियन पहुंची थी। तो अगर इतनी ही संवेदना आपको थी, आप हित समझते थे, तो आपको इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए था, उठाना चाहिए था। और आप बात करें ना कि हम लोग और मुद्दे नहीं उठाते, निजीकरण का मुद्दा, अभी DU की चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप ले लीजिए, जबकि सबसे बड़ा जो तो प्रधानमंत्री कहते हैं आपका काम ही है आंदोलन करना। बिल्कुल, क्योंकि 2000 मैं बता रही हूँ ना, 2014 के बाद जितने भी सेक्टर्स थे ना, सब में गिराव ही गिराव हुआ। हर मुद्दे को उठाते हैं, बिल्कुल क्यों ना उठाएं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं ना, इसलिए तो वो चाहते हैं कि आप कर्मकांड में फंसो और आप मंदिरों मस्जिदों के झगड़ों में लड़ो और आप पढ़ो लिखो नहीं। वो चाहते नहीं दलित का बच्चा आए आगे और पढ़े या PhD करे, या वो यही तो शिक्षा का माध्यम हमें सवाल देने का जन्म देता ना, तो वो इसी चीज़ को बंद करना चाहते हैं। निजीकरण क्यों हो रहा है, हमने सबने कोरोना वायरस आंखों से देख लिया। देश को अमेरिका या देश को डेवलप्ड कंट्री तब भी बनाया जा सकता है जब जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको अच्छा किया जाए, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए चीज़ें बनी उनको अच्छा किया जाए। हम लोगों का टैक्स का पैसा मार कर सिर्फ दो लोगों की जेबें भरी जाए, उससे किस चीज़ का वेलफेयर, किस तरीके से आप देश को बदलोगे? आपने सरकारी अस्पतालों को बेच दिया, आपने सरकारी बैंकों को बेच दिया, आपने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन आपने उनका निजीकरण कर दिया, आप NEP जैसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। आप चाहते हैं जिसका बाप सीवर में उतरता है सुबह और शाम को वो बच्चा रोटी खाता है या मजदूरी करके सुबह पानी खड्डा खोदते हैं और शाम को पानी पीते हैं, आप चाहते हैं उनका बच्चा हर 3 महीने में 3-3 लाख रुपये 4-4 लाख रुपये फीस दे और पढ़े, वेलफेयर का काम कर रहे हैं, सिर्फ वेलफेयर हो रहा है हमारे पैसे से उनका, जो उद्योगपति वहाँ बैठे हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है भाई साहब, आप पढ़ लीजिएगा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि इस देश में 10 से 20 लोग ऐसे हैं जिसके पास देश की 90% लोगों की संपत्ति है। मैं नहीं कह रही, ऑक्सफैम एक NGO है, बहुत माना दाना, उसकी रिपोर्ट कह रही है। तो कौन वो 10 से 20 लोग हैं, और वो जो वेल्थ है जो 10 से 20 लोग हैं इस कोरोना काल के अंदर, तीन सालों में उनकी वेल्थ जो है, जो सालाना जो उनकी इनकम है वो डबल हो गई है, मल्टीप्लाई होगी, डबल नहीं ट्रिपल मल्टीप्लाई होगी। कैसे? जनता को मतलब नहीं है ना, हम जनता है ना। देखिए 80-20 से मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन हम ही वो जनता है, हम उनका नेतृत्व करेंगे, हम उन्हें सिखाएंगे। क्योंकि ना ही तो लगता हमें इनकी बकवास जो इनके डराते हैं इनकी जेलों से डर, ना ही लगता है इनकी दहशत से डर, हम लोग सच्चे लोग हैं। और बात जैसे सर ने भी अभी बड़ी अच्छी बात करी कि हम कुछ गैर संवैधानिक या असंवैधानिक नहीं कर रहे, लेकिन मैं उनकी बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, असंवैधानिक बात तो तब आएगी ना सर जब संविधान बचेगा। हमारी अब सांप दाम दंड भेद की लड़ाई है, जिसमें हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि हमारी लड़ाई कलम से शुरू होगी, हम लाठी नहीं उठाएंगे, विल पिक पेन, और हम उससे भी दुनिया चेंज कर सकते हैं। और आपके सोशल मीडिया एक्स, वही मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जब सड़कें सुनसान नहीं रहेंगी, जब उनको नॉक किया जाएगा उनकी हर गलती पे, जागरूक होके बुलंद आवाज उठाई जाएगी, तो संविधान भी बदलेगा, सरकार भी बदलेगी, और सरकार झुकेगी भी जिस तरीके से जब किसानों का आंदोलन होता कृषि कानून के सामने झुकी, इस तरीके से झुकेगी। बात है हमारी जागरूकता की, हम हर दिन वो कदम उठा रहे हैं। आप कहते ना कि हमें जैसे आपने कहा कि आप लोग आंदोलन करते हैं वो हमें आंदोलनजीवी कहते हैं, आप मुझे बता दीजिए 2014 के बाद से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें बढ़ोतरी हुई है? मुझे लगता है कि आंदोलन ही ऐसा सेक्टर बन चुका है जिसमें बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उन्होंने छोड़ा ही नहीं हमारे लिए रास्ता। यूनिवर्सिटी तो नहीं देती है ना, देखिए मैंने आपको कहा ना, आप जनता के वोट की बात कर रहे हैं ना, हम EVM की बात करते हैं, हम नहीं कहते जनता वोट देती है। एक वो कहानी सुनी है ना कि एक राक्षस था, पता नहीं राजा था, जिसकी जान उस तोते में फंसी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर इसको मारना है इस तोते को मारिए, अगर सरकार को भगाना है खत्म करना है तो वो तोता EVM है, आप उस EVM को खत्म करेंगे तो वो बच जाएगा। एक सेकंड, आप तो बैलेट पेपर से भी चुनाव हार जाते, आप करवा के देख लीजिए आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मैम एक सेकंड, जिला पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से हुए, लेकिन उसके ऊपर प्रशासनिक गुंडागर्दी होती है, उसके ऊपर जब आप अंदर जाते हैं जो बाहर बैठा आप सोचते हैं ये रक्षा करेगा, वो सबसे बड़ा गुंडा है उसकी, वहां आपका SDM होगा, ये वो होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब डरा धमका के स्याही लगाएंगे आपके, और आपका वोट कैसे, आपकी स्टैम्प कैसे लगा दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें जिसपे हमें एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलने की जरूरत है। रास्ता यही बचा कि जो भी हमारे प्रतिशी उतरे, जो भी हम सारे लोग हैं, युवा हैं, अपना एक सामूहिक प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके
आंदोलन करें, लोगों को जागरूक करें जिले जिलों में जाके, जो कि हम कर रहे हैं, जो कि हम जा रहे हैं गांव गांव में। अभी हम मैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती कि विपक्ष कौन है। मेरी नज़रों में विपक्ष वो है जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, जो इन आंदोलन का बेड़ा उठा के, चाहे वो आपके यूट्यूब के माध्यम पर बोलते हैं, चाहे वो डफली बजा के अपना गीत गा के प्रदर्शन करते हैं किसी तरीके से, वो है विपक्ष। विपक्ष कोई पार्टी नहीं है जो एसी के कमरों में बैठी है, विपक्ष हम लोग हैं। और हम लोगों ने बेड़ा उठाया है, हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के स्पीकर्स नहीं है कि सोशल मीडिया पर आके भाषण दिया, हम लोग जमीनों पर भी काम करें। आप लोग गवाह हैं कि रात दिन हमने किसान आंदोलन में कृषि जब बिल थे उसके लिए किस तरीके से प्रदर्शन किया रात दिन बाहर रहकर। और हम लोग समझ चुके हैं कि इनको इन्हीं के तरीके से हराना है, इनकी लड़ाई इन्हीं के तरीके से लड़नी है। जितेंद्र मेघवाल पर क्या कहना है? बिल्कुल, जितेंद्र मेघवाल के साथ जो हुआ मैं आपको बता रही हूँ, इट्स ग्रेट कि वो न्यूज सोशल मीडिया पे आ गई। लेकिन कल ही मेरी राजस्थान के किसी ऐसे बच्चे से बात हुई कि वो ये कहता है कि मैडम ये तो हाईलाइट केस हो गया जो मीडिया पे आ गया। इस तरीके के ऐसे अनेकों केस हैं जो नहीं पहुंच पाते। ऐसी बात नहीं है नहीं हुआ, उठ रही है आवाज, हम लोग जागरूक हो रहे हैं, मैसेज पहुंच रहा है, आंदोलन भी होगा और न्याय भी मिलेगा। देखिए मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं उनके लिए कैसे बोल सकती हूँ, वो नहीं पहुंच पाए वहाँ, क्या हुआ मुझे नहीं पता। हम जो अपना काम करें, हमें पता कि हमारी नीयत सच्ची है, हम काम करेंगे। और हम ये भी काम करेंगे कि हमने वेट नहीं करना कि हमारा कोई मरा या शहीद हुआ या किसी के साथ कोई उत्पीड़ना हुई या रेप हुआ, हम वहाँ पहुँचे मोमबत्ती लेके, हम उस चीज़ को पहले ही रोकेंगे।